दोस्तों, मैं थोड़ा सा जिन जिन लोगों को चंडीगढ़ वाला किस्सा नहीं पता, मैं पूरा किस्सा सुना देता हूं। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था, जैसे दिल्ली में मेयर का चुनाव होता है, चंडीगढ़ में जो चुने हुए काउंसलर हैं वो काउंसलर वोट डालते हैं और अपने मेयर को चुनते हैं। चंडीगढ़ में 36 मेयर हैं, 36 काउंसलर हैं, 36 में से 16 काउंसलर बीजेपी के, 20 काउंसलर इंडिया गठबंधन के। तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन का मेयर डिप्टी मेयर बनना था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या करी, जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को बना दिया। अब बीजेपी का कार्यकर्ता वहां बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। उस बीजेपी के कार्यकर्ता ने वोट तो डलवाई, लेकिन जब काउंटिंग करने बैठा तो ये प्रैक्टिस है कि भाई सारी पार्टियों के जो एजेंट है वो सामने आके बैठते हैं और हर वोट देखा जाता है। उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को अपने सामने नहीं बैठने दिया, सबको भगा दिया, एक सबको भगा दिया उसने, और उसने खुद ही काउंटिंग करी। और काउंटिंग करते टाइम उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, 12 वोट पड़े हमारे, और उनके कहता है 16 वोट पड़े, सारे हमारे इनवैलिड हो गए। जैसे केवल हमारे वालों को ही वोट पे निशान लगाने नहीं आते, उनके वालों को आता है। अंदर से एक कर्मचारी ने हमें बताया है कि उनके भी 16 वोट नहीं पड़े थे, उनके 13 ही वोट पड़े थे। अब किसी को नहीं पता कितने वोट पड़े, किसी को नहीं पता किसके कितने वोट पड़े, काउंटिंग एजेंट तो था ही नहीं। और उस चुनाव अधिकारी ने नतीजे घोषित कर दिए कि बीजेपी का मेयर बन गया। उनकी किस्मत खराब थी, वहां चारों तरफ कैमरे लगे पड़े थे। उस कैमरे में वो चुनाव अधिकारी इंडिया गठबंधन के वोटों के ऊपर कांटे मारता हुआ, निशान लगाता हुआ उसके अंदर कैप्चर हो गया, उसके अंदर दिखाई दे रहा है। और ये वीडियो पूरे देश के अंदर फैल गया। अब दोस्तों, चंडीगढ़ का मेयर हमारा बनता है कि उनका बनता है ये जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हम यहां पे कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हमारा बने। चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, नेता आज ये कल ये, आज ये पार्टी कल ये पार्टी, आज इसका मेयर कल इसका मेयर। देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़, कैमरे के अंदर पकड़े गए, अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे, है कि नहीं है। पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं, सत्ता के लिए देश को भी दांव पे लगा सकते हैं दोस्तों।